सो योर क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन March 31st, 2011. डेबिट बैलेंसेज आर ड्रॉइंग्स कैश एट बैंक बिल्स रिसीवेबल लोन एंड बिल्डिंग फर्नीचर डिस्काउंट बैंक चार्जेस सैलरीज परचेजेस ओपनिंग स्टॉक सेल्स रिटर्न कैरेज रेंट एंड टैक्सेस जनरल एक्सपेंसेस प्लांट एंड मशीनरी बुक डेब्ट बैड डेब्ट इंश्योरेंस कैपिटल नेचर डिस्काउंट लोन परचेज रिटर्न सेल्स रिजर्व फॉर बैड डेब्ट एंड लास्ट क्रेडिटर. सो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. सबसे पहले हमें क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड कैट आइटम यूज होगी. फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक अमाउंट 16,220. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज. वेरी गुड. परचेज अमाउंट 1,99,080. यस. परचेज रिटर्न अमाउंट 1,450. नाउ द परचेज अमाउंट इज 1,97,630. नेक्स्ट कैरेज. अमाउंट 5,170. खत्म. इधर क्या आएगा? फर्स्ट सेल. सेल अमाउंट इज 2,81,500. रिमेनिंग अमाउंट 279,630. नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक. स्टॉक closing stock amount is 17,000. already has given in the adjustment portion. adjustment ने दिया है तो closing stock हो गया हमारा 17. total 3,49,630. remaining amount called gross profit. transfer to profit and loss account. हमेशा यहाँ पर ये लिखेंगे कि gross profit को हम कहाँ transfer करने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना अमाउंट है? 86,610. टोटल 3,49,630. कंप्लीट. क्लियर हो गया सबको? तो सिंपल हमने ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर किया. फर्स्ट एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट एडजस्टमेंट थी क्लोजिंग स्टॉक की और क्लोजिंग स्टॉक को हमने यहाँ पर एड कर दिया. क्लियर हो गया सबको? नाउ वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चलिए डेबिट साइड ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेज. ये हमेशा याद रखो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन अगर रखेंगे और याद लिखेंगे भी. तो क्रेडिट साइड क्या आएगा? इनकम और गेन्स. चलिए फर्स्ट स्टार्ट करिए कहां से है? आकाश बोलो बेटा. डिस्काउंट अलाउड अमाउंट 3,900. डिस्काउंट अलाउड 3,960. नेक्स्ट बैंक चार्जेस 100. सैलरी 6,420. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है. चलिए देखते हैं कैसे हो रही है. रेंट एंड टैक्सेस फर्स्ट अमाउंट कितनी है? 7,680. एडजस्टमेंट पे देखिए रेंट आउटस्टैंडिंग मींस प्रीवियस ईयर अमाउंट है स्पेंडिंग. क्या हो जाएगा? प्लस 150. नाउ द टोटल अमाउंट इज 7,880. समझ आ गया? फर्स्ट एडजस्टमेंट एड होगी, क्रॉस कर दो क्लोजिंग स्टॉक को. क्वेश्चन में जाओ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जहाँ लिखी है फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक. एक बार जो आइटम यूज होगा वो सेकेंडरी फिर से फॉलो नहीं होगा. एक ही बार एक जो आइटम है उसको हम एडजस्ट करेंगे. ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो गया ट्रेडिंग में. अब सेकंड क्या था हमारे पास? रेंट एंड टैक्सेस का आउटस्टैंडिंग पेमेंट हमें और मिला तो क्या हो गया? प्लस. कितना हो गया टोटल? 7,830. समझ आया? जी हाँ, समझ आ गया. किसी को कोई डाउट है? आउटस्टैंडिंग जितनी भी अमाउंट हमारे पास एडजस्टमेंट में होंगी आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होगी और प्रीपेड या एडवांस कोई अमाउंट होगी तो वो उस जो हमारे पास अमाउंट है ऑलरेडी उसमें से वो डिडक्ट होगी.
ठीक, तो आउटस्टैंडिंग प्लस और एडवांस माइनस, क्लियर हो गया मयूर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है ट्रांजेक्शन, जनरल एक्सपेंसेस 3630, नेक्स्ट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अमाउंट 750, आप पीछे देखिए लेस इंश्योरेंस प्रीपेड मींस एडवांस, 750 का प्रीमियम पे करना था, ऑलरेडी हमने 50 रुपीज पे किया हुआ है, तो ये माइनस कितना लिखे हैं, क्लियर हो गया? नेक्स्ट बैड डेट्स, बैड डेट्स अमाउंट 1250 प्लस न्यू प्रोविजन अमाउंट 8274, इसको भी कैलकुलेट करेंगे 9524 लेस ओल्ड प्रोविजन 4650, रिमेनिंग अमाउंट आएगी 4874। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग 900। नेक्स्ट एनपी ट्रांसफर टू 61176 टोटल 89590। क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट 86610, डिस्काउंट सी 2980। चलिए अब देखते हैं कैसे हुआ ये। फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, द क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट्स पेज नंबर 374, मे बी डिफरेंट इन योर बुक्स। क्लोजिंग स्टॉक, द क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स लेइंग इन द स्टोर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। Then, next, outstanding expenses. Next heading, outstanding expenses. Underline करो इन सबको. Next, outstanding expenses. When expenses of an accounting period remain unpaid at the end of an accounting period, they are termed as outstanding expenses. Done. Next, prepaid expenses. There are several items of expense which are paid in advance in the normal course of business operation. Next, accrued income. It may also happen that certain items of income such as interest on loan, commission, rent, etc. are earned during the current period but have not been actually received by the end ऑफ द सेम ईयर। तो ये बताया हुआ है कि जो हमें अमाउंट मिलेगी लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई। नेक्स्ट इनकम रिसीव इन एडवांस, समटाइम्स अ सर्टेन इनकम इज रिसीव बट द होल अमाउंट ऑफ इट डज नॉट बिलोंग टू द करंट पीरियड, द पोर्शन ऑफ द इनकम बिलोंग टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज इनकम रिसीव इन एडवांस। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, depreciation is the decline in the value of asset on account of wear and tear and passage of time. Next, bad debts refer to the amount that the firm has not been able to release from its debtor. It's regarded as a loss and termed as bad debt. Loss and hamara bad debts. Next, provision for discount on debtor. A business enterprise allow discount to its debtor to encourage from payment. किसके लिए कर रहा हूँ डिस्काउंट? आपको इनकरेज करने के लिए कि जल्दी से जल्दी आप मेरी पेमेंट को क्लियर करें। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, हेडिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, डन।
मैनेजर्स कमीशन, नेक्स्ट हेडिंग मैनेजर्स कमीशन. द मैनेजर ऑफ द बिजनेस इज समटाइम्स गिवन द कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. सपोज द नेट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इज रुपीज 110 बिफोर चार्जिंग कमीशन. इफ द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, द कमीशन विल बी कैलकुलेटेड 110 इंटू 10 अपॉन 100 इक्वल्स टू 11. तो बिफोर प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट दो फॉर्मूला इसके. फर्स्ट प्रॉफिट बिफोर कमीशन चार्ज होगा 110 इंटू 10 अपॉन 110 10 रुपीज. फॉर्मूला है ठीक करिए, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस कमीशन रेट. ये दोनों फॉर्मूला से क्वेश्चन कर लेना ये. ठीक है, क्लियर होगा सबको. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नेक्स्ट हेडिंग इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. द प्रोप्राइटर मे लाइक टू नो द प्रॉफिट मेड बाय द बिजनेस आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. चलिए कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन देखते हैं. बैड डेब्ट्स प्लस पर्सनल बैड डेब्ट्स प्लस प्रोविजन न्यू ऑन डेब्टर. जो हम डेब्टर पे कैलकुलेशन करेंगे वो हमारे न्यू प्रोविजन बन जाएंगे. माइनस ओल्ड प्रोविजन टोटल बैड डेब्ट्स विल बी यूज इन प्रॉफिट लॉस. डेब्टर माइनस ऑल बैड डेब्ट्स रिमेनिंग अमाउंट विल बी यूज इन बैलेंस शीट. देन किसी को
ठीक है, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हुआ। अब देखिए बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स सेम अमाउंट यूज हो रही है जो कॉलम में प्रोवाइड है, चेक करो जल्दी जल्दी। क्रेडिटर्स सेम, नेक्स्ट लोन 15,000, लोन क्या है हमारी लायबिलिटी, एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, 15,000 इंटू 6/100 कैलकुलेट करिए 900, क्या हो गया हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, टोटल लायबिलिटी नाउ 15,900 डन। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट की अमाउंट कितनी है आउटस्टैंडिंग 150 बाहर आ गया, अभी हमें पे करना है पिछली बार का किराया, तो 150 हमारे ऊपर लायबिलिटी जीरो, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल 1,50,000, कैपिटल क्वेश्चन में है देखिए मिल गया सबको, प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग सब कुछ प्रोवाइड है, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, लॉस होता तो माइनस, एनपी है तो प्लस, ठीक है। आगे यहां तक चलिए, एसेट्स में चलिए, कैश एट बैंक सेम अमाउंट है कॉलम में, नो एडजस्टमेंट, बुक डेट्स 82,740 माइनस बैड डेट्स 82,740, रिमेनिंग अमाउंट इज 74,466। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस प्रीपेड, ऑलरेडी हमने प्रीपेड किया हुआ है 50, क्लोजिंग स्टॉक, सारी अमाउंट जो है वो सेम है, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो सेम अमाउंट को हमने ट्रांसफर किया, समझ आया यहाँ तक। एडजस्टमेंट सिर्फ आपको उन्हीं आइटम्स के लिए करनी है यूज जिनके लिए वो प्रोवाइड की गई है, जैसे यहाँ पर रेंट के लिए था, प्रीपेड इंश्योरेंस था, क्लोजिंग स्टॉक था, डेट्स थे, तो इन्हीं आइटम्स में हमने प्लस और माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीपेड प्लस या माइनस किया, ठीक है, एडजस्टमेंट यूज की, लेकिन बाकी किसी चीज के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो बाकी जो हमारी अमाउंट है जो बैलेंसिंग फिगर है उनको हमने एज इट इज ट्रांसफर कर दिया जैसे हम पहले कर रहे थे। क्लियर हो गया सबको, चलिए एक बार पढ़िए फिर से।